इस थर्ड पार्ट में हम लोग अवमंदित आवर्ती दोलित्र में शक्ति छह, पावर डिसिपेशन और क्वालिटी फैक्टर पे बात करने वाले हैं। यहां यह जानना जरूरी है कि यहां शक्ति छह क्यों हो रहा है। तो आप लोग को शायद याद हो कि जब अवमंदित दोलन होता है तो अवमंदन बल काम करते हैं और इस अवमंदन बल के कारण आपके सरल आवर्ती दोलित्र का आयाम एम्पलीट्यूड कंटिन्यू डिक्रीज होते रहता है और एक सर्टेन टाइम के बाद वो दोलन करना बंद कर देता है। तो ये जो अवमंदन बल है ना, डैम्पिंग फोर्स है ना, उसके कारण से इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो एनर्जी है, इसकी जो ऊर्जा है, उसका लॉस होता है, डीके होता है, क्षय होता है। ठीक उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने अंडर डैम्ड कंडीशन पे जाइए। इसके लिए आपने ये इक्वेशन निकाला था, x इक्वल टू a e टू दी पावर माइनस बी टी साइन एन टी प्लस फाइव। n कहने का मतलब क्या था, n कहने का मतलब था रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ये आपका इक्वेशन नंबर फोर्थ, चेक कर लीजिए, क्लियर है। अब ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपके पास है और हमारा टारगेट है इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करिए, अपने इस इक्वेशन नंबर फोर को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। डिस्प्लेसमेंट का टी के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन हो तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलेगा वेलोसिटी, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ये कितना हुआ ए। अब इसको इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये दो टर्म है ना। तो पहले अगर इसको कांस्टेंट ले लें e टू दी पावर माइनस बी टी को, तो साइन एन टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, साइन का हो जाएगा कॉस और एन टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एन आएगा। मतलब e टू दी पावर माइनस बी टी कॉस एन टी प्लस फाइव इंटू एन आया। दूसरा प्लस लगाएंगे और इस सेकेंड टर्म को कांस्टेंट लेके अगर e टू दी पावर माइनस बी टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर माइनस बी टी का कितना होगा, e टू दी पावर माइनस बी टी, और बी टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस बी। तो ये क्या हो गया माइनस बी e टू दी पावर माइनस बी टी साइन एन टी प्लस फाइव, क्लियर है ये। इसके बाद यहां देखिए e टू दी पावर माइनस बी टी, e टू दी पावर माइनस बी टी अगर कॉमन निकाल दिया जाए तो आपको मिलेगा a e टू दी पावर माइनस बी टी एन कॉस एन टी प्लस फाइव बी साइन एन टी प्लस फाइव मिला। ये है आपके पास v की वैल्यू है ना। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फाइव ले लेते हैं, ये आपका इक्वेशन नंबर फाइव है। आगे गए तो हम लोग बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा का मतलब आप लोग काइनेटिक एनर्जी को शुरू से जानते हैं, 1/2 mv² से डिफाइन करते हैं आप। v की वैल्यू a e टू दी पावर माइनस बी टी एन कॉस एन टी प्लस फाइव माइनस बी साइन एन टी प्लस फाइव रखेंगे इक्वेशन नंबर फाइव से, तो क्या आएगा, यहां 1/2 m हुआ v स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर e टू दी पावर माइनस 2bt, यहां हो जाएगा कॉस एन टी प्लस फाइव एन माइनस बी साइन एन टी प्लस फाइव का होल स्क्वायर। मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो क्या बना देगा ये, क्या करिए आप स्क्वायर कर दीजिए, क्या बचेगा 1/2 ma² e टू दी पावर माइनस 2bt, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये पूरे का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एन टी प्लस फाइव एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एन टी प्लस फाइव प्लस 2nb cos nt plus phi sin nt plus phi आ जाएगा ये। अब यहां समझना ये है, देखिए ये वाले टर्म को अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, देखिए तो 2 sin theta और cos theta वाला फॉर्मूला यहां लग सकता है ना। उसको लगा के अगर इसको इजी करें तो क्या बनेगा, यहां हो जाएगा साइन 2 थीटा,
टू साइन थीटा कॉस थीटा के हिसाब से आप लोग यहां क्या लिखेंगे, आप साइन टू थीटा। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हुआ और ये वाला फॉर्मूला आपने यहां यूज किया है। अब क्या करें, इसमें आप ये समझिएगा कि जब अवमंदन बल को हम लोग बहुत कम मान लें, अगर आपका डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू बहुत कम होगी तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड में जो चेंजेस आएगा या एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, और अगर नेग्लिजिबल एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन में वन टाइम पीरियड पे एवरेज पोटेंशियल एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, औसत गतिज ऊर्जा निकालनी है एक आवर्त काल में वन ऑक्सीलेशन के लिए। तो ये जो ग्रेटर और स्मॉल वाला जो साइन बना है ये इसके एवरेज को डिनोट करेगा। ठीक, तो ये एवरेज, ये पूरा तो बाहर है। यहां देखिए एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एन टी फाई का एवरेज, ये वाले टर्म का एवरेज, फिर इसका एवरेज और इसका एवरेज। यहां आप ये समझिएगा कि ये जो टर्म आ रहा है, ये जो टर्म है ये एवरेज को डिनोट कर रहा है, और ये आपका इक्वेशन नंबर 7 हुआ। अब आप अपने मैथमेटिक्स पे आइए, इसका एवरेज और इसका एवरेज कितना होता है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का 1/2 होगा, और इसका एवरेज कितना आएगा, 0। मतलब इसकी जगह हाफ, ये भी हाफ और ये 0। देखिए आपका इक्वेशन नंबर 7 चेंज होकर कैसा बन जाएगा, ये बन गया हाफ एम ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टू बी टी, लिखा एन स्क्वायर हाफ प्लस बी स्क्वायर हाफ और ये 0। ये बना, यहां से हाफ कॉमन निकाल दीजिए, हाफ अगर यहां से कॉमन निकालते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/4 होगा और एन स्क्वायर की वैल्यू, यहां देखिए एन स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इस स्क्वायर रूट को अगर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एन स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। रखिए 1/2 बाहर निकला, 1/4 हुआ, एम ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टू बी टी हुआ, एन स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी और ये प्लस बी कैंसिल, क्या बचा, ये है आपका एवरेज काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। ठीक, इक्वेशन नंबर 8 इसको ध्यान में रखिएगा, क्यों, टोटल एनर्जी निकालेंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी निकला, कुल ऊर्जा निकालनी है तो स्थितिज ऊर्जा भी चाहिए, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को ही टोटल एनर्जी बोलते हैं। आपका ये इक्वेशन नंबर 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई टू द पावर माइनस टू बी टी, मतलब टी बढ़ने के साथ साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू एक्सपोनेंशियली चरघाती रूप से डिक्रीज होगा। इसको लिख लीजिए, ये लिखने के बाद अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, क्यों निकालेंगे, पहले डिस्कस किए हैं टोटल एनर्जी निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम ही टोटल एनर्जी को दिखाता है। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ये कितना होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर, के क्या होता है, जैसे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम लिखते हैं आप, ठीक है, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये आप लोग पहले से जानते हैं। इसके बाद क्या करिए, इस इक्वेशन नंबर 9 में एक्स की वैल्यू रखिए, एक्स जो अभी आपने निकाला था इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 क्या है याद है, एक्स ए ई टू दी पावर माइनस बी टी साइन एन टी प्लस फाइव, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हुआ, ए स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टू बी टी साइन स्क्वायर एन टी प्लस फाइव। अब फिर से आप यही कहिएगा कि डैम्पिंग फोर्स की वैल्यू अगर बहुत कम होगी तो एम्पलीट्यूड में जो कमी आएगा, आयाम में जो कमी होता है वो लगभग नगण्य होता है, इसलिए एक आवर्तकाल में पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा, द मीन पोटेंशियल एनर्जी आर एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इन वन टाइम पीरियड। इसके लिए फिर से वही, ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हाफ
m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2bt और साइन स्क्वायर nt प्लस 5। अभी अभी आपने देखा था कि साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, इसकी जगह हाफ, तो ये हो गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2bt, ये रिलेशन निकला, ठीक। यह है आपका इक्वेशन नंबर 10। दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10। एक बार देख लीजिए दोनों को, देख लिया। चलिए अब यह आपका इक्वेशन नंबर 10 में आप ध्यान दें तो 8 और 10 यहां क्या मिल रहा है आपको, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब आप चाहते हैं कि आपको टोटल एनर्जी मिले वन टाइम पीरियड का, तो ये कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज में और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम, और ये दोनों का वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 10 से अगर रख देते हैं तो ये मिला, ये दोनों का क्या आएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे अगर, तो 1/4 प्लस 1/4, बाकी ये तो पूरा कॉमन है, तो 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2bt आया, ठीक है। ये पूरा जो कांस्टेंट है ना यहां, ये पूरा कांस्टेंट जो दिख रहा है आपको, हाफ हाफ के बाद में ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ये किसको दिखाता है, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने ई नॉट माना है, किसको, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को ई नॉट मान लिया, तो ये एक इक्वेशन बना किसका, एक आवर्तकाल में औसत संपूर्ण ऊर्जा का एवरेज टोटल एनर्जी ओवर अ पीरियड या ओवर वन टाइम पीरियड, ठीक है। यह है आपका इक्वेशन नंबर 11। यहां से आपने क्या निकाल लिया है, एवरेज टोटल एनर्जी। अब अगर मैं कहूं कि टी की वैल्यू मान लेते हैं 1/2b के इक्वल है और इस 1/2b को टाऊ बोलते हैं, तो यहां अगर 2b की जगह, यहां 2b की जगह 1/t रख दें या t की जगह 1/2b रख दें, तो आपको ये मिलेगा e नॉट बाई e, क्यों, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होके e टू द पावर माइनस 1 होगा और e टू द पावर माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको अगर आप चाहें तो 36.8% कह सकते हैं। तो टाउ क्या होता है, टाउ को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है एक्चुअल में आपके वह टाइम को बताएगा, उस टाइम को बताता है जिसमें ये अपने इनिशियल वैल्यू का 36.8% के बराबर हो जाता है, ठीक। जितने देर में वो इतना होगा उस टाइम को आप लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। ये पेज समझ में आ गया ना, एक बार अच्छे से देखिए आप इसको। अब हम लोग अपने टारगेट की ओर चलते हैं कि दोलन का औसत शक्ति क्षय मीन पावर डिसिपेशन अगर निकालें तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी मतलब जो एवरेज टोटल एनर्जी निकाला है आपने ना, उसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। ई की वैल्यू इतनी है, इसको अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ई टू द पावर माइनस 2bt इंटू 2b आएगा, 2b e नॉट e टू द पावर माइनस 2bt, तो यहां जो माइनस था और ये वाला जो माइनस था दोनों मिलके प्लस हो गए, तो ये रिलेशन आया 2b e नॉट e टू द पावर माइनस 2bt, और ये जो वैल्यू है आपका e नॉट e टू द पावर माइनस 2bt, इसको आप लोग एवरेज e बोलते हैं, 2b एवरेज e बोलेंगे, ठीक। तो P का वैल्यू कितना, 2b की वैल्यू अभी अभी आपने माना था रिलैक्सेशन टाइम वाले केस में 1/2b को टाउ कहा था, तो 2b की वैल्यू 1/टाउ आएगा, ठीक ठीक है। ये रिलेशन था आपके पास, इक्वेशन नंबर 12 है ये। आगे चलते हैं अगर तो ये जो P की वैल्यू है यहां, इस पे आइए। अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, अवमंदन पर, बी की वैल्यू पर निर्भर कर रहा है। कैसे निर्भर कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक।
मतलब b का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, b का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, अवमंदन जितना ज्यादा होगा, ऊर्जा क्षय की दर या पावर डिसिपेशन उतना ही ज्यादा होता है। इस इक्वेशन से देखिए, b जितना ज्यादा करेंगे आप तो p का जो मान आएगा दोलन का औसत शक्ति क्षय वो भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा। ये है आपके पावर डिसिपेशन वाला पार्ट। अब आगे क्वालिटी फैक्टर पे बात करते हैं। क्वालिटी फैक्टर को आप लोग Q से डिनोट करिएगा। एक सवाल आ रहा होगा, विशेषता गुणांक कहें या दक्षतांक कहें या गुणता कारक कहें या क्वालिटी फैक्टर कहें, ये सब एक ही नाम है, क्यों पढ़ रहे हैं? तो वास्तव में ये जो विशेषता गुणांक होता है, क्वालिटी फैक्टर है, वो आपके ऑक्सीलेटर की एफिशिएंसी को बताता है, दक्षता को बताता है। कैसी दक्षता, कौन सी दक्षता को? देखिए, आप जैसे एक आइडियल ऑक्सीलेटर के केस में, जैसे आप लोग पहले पढ़ते थे कि बाह्य बल लगा देंगे तो दोलन होते रहता है, सरल आवर्ती गति होते रहता है, तो वहां क्या माना था आपने कि जो ऊर्जा है उसमें क्षय शून्य होता है, एनर्जी का लॉस जीरो होता है, ठीक। तो उस केस में मैं कहूंगा कि उसकी एफिशिएंसी या उस दोलित्र की जो एनर्जी है या दक्षता है वो ज्यादा होती है, ठीक। अब सवाल यह आता है कि ये विशेषता गुणांक को परिभाषित कैसे किया जाए। वास्तव में किसी भी दोलित्र का जो विशेषता गुणांक है वो उस दोलित्र की दक्षता को बताएगा। कौन सी दक्षता को बताता है? उसमें एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है उसको, मतलब कोई एनर्जी कितना बचा पाएगा। जैसे मैं कहूं कि अगर फ्री ऑक्सीलेशन की बात करें, अगर इस डैम्पिंग फोर्स को आप जीरो कर दें, हटा दें, तो उस केस में जो ऑक्सीलेटर होगा उसका क्वालिटी फैक्टर, उसकी विशेषता गुणांक अधिकतम। और अगर इस दोलित्र को किसी ग्लिसरीन में रख दीजिए, शहद के अंदर रख दीजिए, तो उस केस में इसका विशेषता गुणांक कम से कम होता है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि एक आवर्तकाल में शक्ति क्षय के सापेक्ष दोलन निकाय के द्वारा ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता, एक आवर्तकाल में शक्ति क्षय के सापेक्ष, शक्ति क्षय के सापेक्ष क्या होगा? ऊर्जा एकत्रित करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एनर्जी इन ऑक्सीलेटर सिस्टम रिलेटेड टू द पावर डिसिपेशन ड्यूरिंग वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। इसको और फिजिकली डिफाइन करना है तो इस डेफिनेशन को लिखने से पहले आप इस फॉर्मूले पे आ जाइए, 2 पाई एवरेज ई एवरेज पी इंटू टी, इसको आप वर्डिंग कर दीजिए। किसी भी दोलित्र का विशेषता गुणांक क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्या होगा? इसमें ई और पी की निष्पत्ति, ई और पी मतलब संपूर्ण औसत ऊर्जा और पावर डिसिपेशन शक्ति क्षय के अनुपात के 2 पाई टाइम को, 2 पाई गुना को क्यों कहते हैं, ठीक। अब ई और पी की वैल्यू की अगर बात करें तो P is equals to E by tau होता है, तो E by P is equals to क्या लिख सकते हैं? E by P is equals to क्या लिख सकते हैं? Tau। तो ये हुआ 2 pi by T into tau, 2 pi by T omega होता है। ये है आपका क्वालिटी फैक्टर। तो पावर डिसिपेशन, क्वालिटी फैक्टर, 3 डिफरेंट केसेस और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ योर डैम्पिंग ऑक्सीलेटर और उसका सॉल्यूशन, ये आपका पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। और अपने आप में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, 10 मार्क्स का पूरा।